मैंने एक अच्छा सा कंसेप्ट आज एस्ट्रो एंडी से समझा है, बिकॉज़ ये कंसेप्ट मुझे कहीं ना कहीं कनेक्ट करा था कि समथिंग देयर इज़ इन इट। देखिए कोई कोई कभी जब सर्विंग करते हैं ना, देन व्हाट हैपन्स दे डू कि मुझे ये मिलेगा इसके लिए वो सर्व करते हैं, और कोई रहता है निस्वार्थ भाव से सर्व करते हैं। कुंडली में आपका आठवां भाव जो रहता है ना, तो आप जो हाँ मुझे ये मिलेगा इसके लिए आप वो करते हो ना, तो वो आपका आठवें घर में एक्युमुलेशन होगा, फिर आप जो है चीज़ें कर पाओगे उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। बट जब आप निस्वार्थ भाव से करते हो तो आपका एक्युमुलेशन नहीं करता, आपको डायरेक्ट मुक्त करता है, यानी वो 12 भाव से आपके जो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। तो जब भी आप कुछ देते हो आपका इंटेंशन उसके पीछे बहुत मैटर क्यों करता है, वो इसी के वजह से मैटर करता है। दिस इज़ ऑल व्हाट वी नीड टू लर्न, बिकॉज पांचवा जो घर है वो आपका पूरे पुण्य का घर होता है, और जो नवम भाव रहता है वो आपका भाग्य का घर होता है। बिकॉज एक्युमुलेशन के लिए आप जो भी करोगे वो आपका पूरे पुण्य में जो है जमा होने वाला है, आपके पास वो वापस आने ही वाला है कैसे भी कैसे। पर अगर आप उसी चीज़ से बाहर निकल गए और आपने ऐसे ही देना चालू कर दिया विदाउट एनी कुछ स्पेसिफिक नीड, मुक्ति के अलावा उसके दूसरे अलावा कोई नीड नहीं हो सकती, तो उसका भी नीड, मुक्ति भी एक नीड है, बट वो भी नीड आप त्याग जाते हो, देन द व्हाट द स्टेज कम्स, और उस भाव से देन कुछ एक्सपेक्टेशंस ही नहीं आपको आपके किसी रिजल्ट्स की आप जो कर रहे हो। देन एक्चुअली अभी आप आपके आठवें भाव से जो है बाहर हो चुके, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, और आपका जो भी आप करोगे वो 12th हाउस में आपके जाने वाला है, और 12th हाउस से 10th पोजिशन जो रहता है भाग्य का घर रहता है। सो लाइफ में आप जो भी फिर पाओगे इट इज़ ऑल कनेक्टेड टू आर दिस लाइफ, द प्रेजेंट लाइफ जो हम जी रहे हैं, और उस प्रकार से फिर वो अनफोल्ड होगी। सो इट इज़ मच ब्यूटिफुल, अनफोल्ड इट वेल। थैंक यू एंड प्रणाम। प्लस देते वक्त एक ढंग होता है, एक वे होता है देने का, आप किस वे से दे रहे हो और आप किस प्रकार दे रहे हो, आप क्या दे रहे हो, तो क्वालिटी भी मैटर करता है कि आप क्या दे रहे हो उसका। इन सेंस कि आपको कुछ चीज़ें नहीं चाहिए और आप फिर तो आसानी से दे देते हो, बट आपको अगर कुछ चीज़ चाहिए होती है और फिर आप जो देते हो ना, देन उसको कुछ अलग देना कहते हैं। जो आपके लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ देना, इट इज़ मच बियॉन्ड, क्योंकि एट द एंड आप जब किसी को कुछ देते हो देन आप उसकी हेल्प तो करते हो, आपको वैसा लग रहा है, बट इनडायरेक्टली वो आपकी भी हेल्प कहीं ना कहीं से कर रहा है ना, ये आपको समझ आना चाहिए। मतलब यहाँ पे एक बात सिंपल है, जिसका है हम उसे वापस दे रहे हैं, आपसे वो एक माध्यम बन जाते हो देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी आपका देने का टाइम रहता है और सामने वाले का लेने का, और कभी कभी आपका लेने का और उनका देने का, एंड इन दिस वे हम एक दूसरे को सपोर्ट करके क्या करते हैं, ये साइकिल कंप्लीट करते हैं सर्विंग का, एंड वी आर जस्ट कनेक्टिंग टू द वन एनर्जी।